एसर्सन एंड रीजनिंग क्लास 10th के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, एसर्सन और रीजनिंग का। यहाँ पर ही बोलता है रीजन आपको दे रखा है कि सम ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दिस वन माइनस बी अपॉन में ए। बिल्कुल सही है कि जो सम ऑफ द जीरोज होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। जो रीजन है आपके पास वो रीजन ट्रू है, ठीक है। अब रीजन आपके पास ट्रू है, देखते हैं कि क्या इसी रीजन के अकॉर्डिंग इसने एसर्सन को एक्सप्लेन करा है या एक्स जो एसर्सन है उसका एक्सप्लेनेशन किसी और रीजन से। देखिए यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ, एक बात तो साफ है कि आपको जो रीजन बताया गया था वो सम का बताया गया था और था तो वो ट्रू। हमें पता है कि जो सम होता है जीरोज का वो इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है और जो रीजन था वो आपका ट्रू था। लेकिन क्या इसके अकॉर्डिंग ही एसर्सन को बोला गया है? नहीं, एसर्सन को बोला गया है प्रोडक्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिस वन इज माइनस टेन। और प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन में ए और यहां पर सी आपका है 5k अपॉन में ए आपका है 1 तो इक्वल टू माइनस 10 और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 5k इक्वल टू माइनस 10 तो k इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में 5 यानी कि माइनस 2। तो k आपका बिल्कुल ठीक वैल्यू आ रहा है यानी ट्रू तो आपका रीजन भी है और ट्रू आपका एसर्सन भी है। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी कि जो रीजन है वो एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि रीजन तो फॉर्मूला बता रहा है सम का और जबकि एसर्सन में जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो यूज किया गया है प्रोडक्ट का। हालांकि एसर्सन भी करेक्ट है बट वो जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम इसमें बी ऑप्शन लिखेंगे कि दोनों के दोनों ट्रू हैं लेकिन जो रीजन है वो एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नंबर 8 में चलते हैं और नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि आपको एसर्सन दे रखा है माइनस 1 एंड 4 आर जीरोज, एक पॉलीनोमियल है और उसके जो जीरोज हैं वो माइनस 1 और माइनस 4 दे रखे हैं, ठीक है। और रीजन क्या बता रखा है, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ जीरो पॉलीनोमियल P of x if P of k equal to 0। बिल्कुल रीजन एक फॉर्मूला है जो कि करेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रू है कि भाई अगर कोई भी जीरोज होता है और अगर हम उसे सवाल में रखते हैं तो वो उस पूरे सवाल को जीरो बना देता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए रख के देख लेते हैं। एसर्सन में आपको दो जीरोज दिए गए हैं, एक जीरो दिया गया माइनस 1। तो चलिए P of k जो आपका सवाल है P of x, x में आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसमें माइनस 1 रखकर देखते हैं तो p ऑफ माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 तो ये आपके पास हो गया है माइनस का प्लस 1 हो गया है और प्लस 3 और प्लस 4 यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये माइनस 4 था, ठीक है। तो आपके पास हो गया है 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यस ये रीजन भी ट्रू है और ये जो एसर्सन है वो भी इसका ट्रू है। और एक बात और है कि जो एसर्सन है वो जो रीजन है वो एसर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है तो यहां पर इसका आंसर रहेगा ए। दोस्तों इसी तरह के एसर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपके क्लास 10th में पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर स्टार्ट करते हैं, नंबर 9। और 9 में यहाँ पर क्या रखा है कि द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट। जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटता है, ये एसर्सन बोला गया। रीजन दिया गया डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज 2। जो डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वो 2 होती है। तो ये तो ठीक है कि भाई रीजन तो आपको सही बोला गया है कि जो डिग्री है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वो 2 रहती है, ये ट्रू है तभी तो वो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक यानी उसकी पावर 2 रहती है, रीजन ट्रू है। लेकिन एसर्सन में बोला गया है कि जो आपका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता है। मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं बच्चों। यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया है
ये भी, ये जो ग्राफ मैंने बना रखा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। आपको इसे इस तरह से ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप में जाता है, नो मैटर कि वो एक्स एक्सिस को छूता है, काटता है या नहीं काटता है, तो वो मैटर नहीं है। जबकि एसर्शन में बोला गया है कि एक्स एक्सिस को टू पॉइंट पर काटता है, तो इसमें रीजन ट्रू है बट एसर्शन ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन देना होगा। तो यहां पर हमारे पास है assertion A is false but reason is true, yes D option इसके लिए हमारे पास रहेगा, कि इसके लिए हम लिखेंगे D option कि भाई यहाँ पर जो D option है कि assertion तो false है लेकिन जो आपका reason है वो true दे रखा है। number 10 में चलते हैं और number 10 में हमारे पास है यहाँ पर the pair of the equation has infinitely many solution। तो बच्चों सबसे पहले reason को देखो, reason में a1 upon a2 इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो हमें पता है कि जब इस तरह से लाइन आती है बच्चों तो उसमें जो भी एक लाइन होगी हमारी दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आइडेंटिकल हो जाती है, यानी इनफाइनाइटली इसमें मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई इशू नहीं है। द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसको देख लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और दूसरा है माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो और यहाँ ऊपर माइनस था। तो इसमें ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन माइनस फोर इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू टू अपॉन माइनस एट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी। इसको सिंप्लीफाइड करके देख लो, वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर, आप देख रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के, यानी कि ये वाला जो हमें रीजन बोला गया था वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यानी एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और जो रीजन है वो एसर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर रहेगा ए। 11 नंबर पे चले जाते हैं और 11 नंबर पे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है एसर्शन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है। तो रीजन में हमारे पास है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू दे रखा है और इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू दे रखा है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्या पेयर ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखेगा? बिल्कुल। ऐसे टाइम पे क्या होता है, दो पैरेलल लाइन जाती है, जब ये वाली कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू होता है बी वन अपॉन बी टू के इज नॉट इक्वल टू होता है सी वन अपॉन सी टू के। तो ऐसी कंडीशन में दो पैरेलल लाइन जाती है और दो पैरेलल लाइन का कोई भी यहां पे कट नहीं है कोई भी, तो नो सॉल्यूशन रहेगा। अब जबकि जो हमें रीजन है वो तो नो सॉल्यूशन के लिए बोला गया और ये ट्रू है हालांकि, अब एसर्शन में बता रखा है कि ये और ये है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन की ये बात कर रहा है, चेक कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है, ए वन है वन और ये है माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू टू अपॉन में माइनस सिक्स, तो यहाँ पर वन अपॉन माइनस थ्री ये दोनों इक्वल आ रहे हैं जबकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल होने चाहिए और यहाँ पर हमारे पास ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, तो ये फॉल्स है और ये वाला ट्रू है। ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है डी, जब आपका एसर्शन फॉल्स आए, ये फॉल्स है और आपका जो रीजन है वो ट्रू है, और दूसरी बात आपका रीजन जब एसर्शन फॉल्स है तो रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं रहा है। दोस्तों फिर ये हमारा एसर्शन और रीजन वाला जो पार्ट था जो वीडियो का, उसका ये तीसरा पार्ट है, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अगले पार्ट में फिर दोबारा मिलते हैं।